राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रविवार शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह नगरी में पोस्टर वार देखने को मिला है। जोधपुर शहर के चौराहों पर सचिन पायलट के समर्थन में पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। चौराहों पर लगे होर्डिंग्स में ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते, वहीं नीचे लिखा है नए युग की तैयारी। खबरों के मुताबिक एक पूर्व पार्षद ने गहलोत के गृह नगर में पायलट के पोस्टर लगवाए हैं, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट ही राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में रविवार शाम को बैठक होगी। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना संदेश लेकर भेजा है। इसके अलावा दोनों नेता विधायकों की राय से कांग्रेस आलाकमान को अवगत कराएंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट के जरिए इस अहम बैठक की पुष्टि की है। उन्होंने लिखा है कि सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया है और रविवार शाम 7 बजे जयपुर के मुख्यमंत्री आवास पर वो विधायक दल की बैठक करेंगे। यक्ष प्रश्न ये है, क्या खड़गे और माकन राजस्थान के विधायकों के लिए आलाकमान का मैसेज लेकर राजस्थान पहुंच रहे हैं या फिर विधायकों की राय शुमारी कर उस राय के मुताबिक फैसला करने आ रहे हैं। अगर खड़गे और अजय माकन आलाकमान का मैसेज लेकर आ रहे हैं तो ये साफ है कि वह सचिन पायलट के लिए ही होगा। अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होंगे, लेकिन अगर विधायकों के साथ रायशुमारी हुई तो ऐसे में सचिन पायलट के नाम पर पेंच फंस सकता है। हो सकता है कि विधायक दल ये प्रस्ताव पारित कर दे कि कांग्रेस आलाकमान राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए जो भी फैसला करें वो उन्हें मान्य होगा। अगर विधायक दल ये प्रस्ताव पास कर देता है तो भी सचिन पायलट का राजस्थान का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो जाएगा। इसके साथ ही विधायक दल की बैठक ये इशारा कर रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नामांकन से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं राजस्थान के विधायक खुलकर अपने विचार रख रहे हैं। निर्दलीय विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने पायलट को सीएम बनाए जाने का समर्थन किया है। वहीं दूसरी ओर गहलोत के 3 मंत्रियों ने सचिन पायलट के नाम पर विरोध जताया है। मंत्री परसादी लाल मीणा और प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि वो इस मामले में कांग्रेस आलाकमान से बात करेंगे। खाचरियावास ने कहा कि ये समय सीएम परिवर्तन का नहीं है। सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा ने ट्वीट कर लिखा कि राजनीतिक फैसले नियम के आधार पर नहीं किए जा सकते। वक्त की नजाकत, जरूरत, राय, उपेक्षा सब का मिश्रण ही निर्णय की सफलता का मार्ग बना सकता है। इस पर सुभाष गर्ग ने भी ट्वीट कर लिखा कि बिल्कुल सही लिखा, मुझे ध्यान है कि नीलम संजीव रेड्डी 1960 से 1963 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तब 20 मार्च 1962 से 20 फरवरी 1964 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।